Hello everyone, myself Dr. S.K. Mishra, welcome on my YouTube channel. आज गाइज हम बात करने वाले हैं BMS डॉक्टर्स के अधिकारों के बारे में कि BMS डॉक्टर्स के क्या अधिकार हमारे प्रदेश में गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें अधिकार प्राप्त हैं और किस प्रकार के मेडिसिन लिखने के लिए उन्हें लीगल राइट्स उनके पास उपलब्ध हैं। क्योंकि गाइज ये ब्लॉग इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जनमानस में BMS डॉक्टर्स को लेके कई प्रकार के अवधारणाएँ सम्मिलित हैं जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी फॉल्स हैं कुछ, और जनरली लोग ये समझते हैं, और मैं पढ़े लिखे समाज की बात कर रहा हूँ, मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि रूरल एरियाज में तो BMS डॉक्टर्स काफ़ी वर्क करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में जो भी लोग हैं वो समझते हैं कि BMS डॉक्टर्स जो हैं वो जनरली एक आयुर्वेद का डॉक्टर्स है, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है और जनमानस के लिए भी एक मैसेज है कि BMS डॉक्टर्स के पास क्या अधिकार हैं और क्यों BMS डॉक्टर्स इतना इम्पॉर्टेंट है। डियर गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी BMS डॉक्टर्स हैं वो 5.5 साल की 5.5 ईयर की कंप्लीट स्टडी करने के बाद वो समाज में आते हैं, और जो 4.5 साल की पढ़ाई होती है वो उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत होता है। करण से उनका जो सिलेबस डिज़ाइन होता है वो आयुर्वेद और मॉडर्न इंटीग्रेटेड होता है, क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की भी पढ़ाई कराई जाती है और आयुर्वेद की कंप्लीट पढ़ाई कराई जाती है और कुछ मॉडर्न ड्रग्स की भी पढ़ाई कराई जाती है। मेरे पास गवर्नमेंट का लेटर है, मैं भी आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि किस प्रकार के मेडिसिन लिखने के लिए जो भी रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर्स हैं वो अलाउड है, उनको अलाउड है और वो उनके पास अधिकार प्राप्त है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जनमानस में वो विद्वान जो नहीं समझ पाते कि BMS डॉक्टर्स के पास क्या है, क्या अधिकार प्राप्त है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ समझना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो BMS डॉक्टर्स होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में होता है, और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो डिग्री दी जाती है वो BMS के नाम से दी जाती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ सर्जरी, क्योंकि जो आयुर्वेद का इनिशिएटर कंट्री है, जहाँ से आयुर्वेद उत्पन्न हुआ है, वो हमारा देश है, इंडिया है। और जो इंग्लिश मेडिसिन हैं जो MCI के अंडर में कंट्रोल होते हैं, जो जिसकी डिग्री MBBS है, तो MBBS की जो डिग्री होती है वो इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में रजिस्टर्ड होता है, इसलिए उनकी डिग्री अलग होती है और हमारी डिग्री अलग होती है, लेकिन पढ़ाई दोनों करते हैं। हम भी इंग्लिश मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं और बस BMS की डिग्री हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए हमें BMS के नाम से गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, रूल है। और ऐसा नहीं है कि जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं पढ़ते हैं, उनके अभी कम्युनिटी मेडिसिन का एक पूरा पेपर होता है, एक पूरा सब्जेक्ट होता है जो उनको पढ़ाया जाता है। तो गाइज पहले तो ये अवधारणा निकालें कि BMS डॉक्टर्स जो मात्र आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उन्हें आयुर्वेद की दवाएँ लिखने के लिए प्रिस्क्राइब है, जड़ी बूटी वाले डॉक्टर हैं, ये तमाम प्रकार की अवधारणाएँ जो हैं वो मिथक हैं। मैं आपको गवर्नमेंट का लेटर दिखाता हूँ किस प्रकार से BMS डॉक्टर्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि BMS के डॉक्टर्स दोनों पढ़ाई करते हैं, वो आयुर्वेद की भी पढ़ाई करते हैं, उतना ही एलोपैथ की भी पढ़ाई करते हैं। तो गाइज चैनल पर नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गाइज मेरे पास ये लेटर है गवर्नमेंट का, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निदेशक आयुर्वेद सेवाओं को लिखा गया है। आयुर्वेद सेवाएं निदेशक प्रदेश में जहाँ से शासन है, जहाँ से प्रदेश में जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, जो BMS डॉक्टर्स हैं, वो कंट्रोल होते हैं शासन के द्वारा, वो निदेशक होता है आयुर्वेद का। और उसके बाद ये लेटर निदेशक के द्वारा समस्त प्रधानाचार्य, जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उनको, समस्त क्षेत्रीय एवं यूनानी अधिकारी जो समस्त जिले के आयुर्वेद के अधिकारी हैं उनको, और निजी आयुर्वेदिक कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं उनको, और जो प्रदेश में रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भारतीय चिकित्सा परिषद में है, उनको ये लेटर लिखा गया है। मैं यहाँ पर कोई बात छोरा छाप के लिए नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है और वो दवाएं लिखते हैं वो निश्चित तौर पे इलीगल हैं, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई नहीं करने के बाद भी और BMS की डिग्री ले लिए हैं और BMS के डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं। कृपया उनसे बच के रहें, दे आर नॉट ए लीगल डॉक्टर, दे हैव नॉट एनी राइट्स ऑफ रिटायर्ड मेडिसिन एंड नॉट हैव ए नॉलेज ऑफ एनी मेडिको, इसलिए उनसे बच के रहें, वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और मैं आपको दिखाऊं कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। ड्रग्स डेट कैन बी प्रिस्क्राइब बाई ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर विद ए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये समझना जरूरी होगा कि हर स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें क्या पावर दिए हुए हैं। तो हमें एंटा एसिड्स, एक BMS डॉक्टर एंटा एसिड लिख सकता है, जितने भी एंटा एसिड मतलब गैस की जितनी भी दवाएं होती हैं लिख सकते हैं, जिसमें आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, S2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, पेंटॉक, एसिलाक, ये तमाम प्रकार की दवाएं आप सुने होंगे जो BMS डॉक्टर्स लिख सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स। काफ़ी लोग समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज्ड हैं, जिसमें जेंटामाइसिन, टेट्रामाइसिन, नोरोफ्लॉक्सासिन, ट्रेंडाजोल, सेफेक्जीम, सेफरेक्जीम, एम्पिसिलिन, इस प्रकार के जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, किसी भी जनरेशन के एंटीबायोटिक्स, तो वो BMS डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर्स है वो लिखने के लिए अथराइज्ड है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी लिखने के लिए BMS डॉक्टर्स अथराइज्ड हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्लोरोक्वीन, क्विनिन, सल्फोडॉक्सिन, इस प्रकार के जितने भी मेडिसिंस हैं एंटी मलेरियल, वो भी BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज हैं। एंटी लेप्रोसी के ड्रग्स, जो भी एंटी लेप्रोसी के ड्रग्स हैं, वो भी BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज हैं। एंटी एमबायोटिक ड्रग, जो भी मेट्रोनिडाजोल, टिनेंडाजोल, इस प्रकार की जो भी मेडिसिंस आते हैं एमबायोटिक डिसेंट्री के, वो भी लिखने के लिए BMS डॉक्टर्स अथराइज हैं अपने पर्चे पे। एंटी फंगल ड्रग जो भी हैं लिखने के लिए, इट्राकैनाजोल, लुलीजोल, इस प्रकार की जितने भी मेडिसिंस हैं लिखने के लिए BMS डॉक्टर्स अथराइज्ड हैं। एंटी एस्केबिज ड्रग जो हैं वो भी BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। एंटी वायरल मेडिसिंस भी लिखने के लिए BMS डॉक्टर्स अथराइज्ड हैं। एंटी एलमेंथीज ड्रग भी BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। लग्जेटिव्स भी BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। ओरल डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन भी BMS डॉक्टर्स, जिसमें हाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं भी BMS डॉक्टर लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। विटामिन्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, जो भी डेरिफाइलिन ग्रुप के जो भी ड्रग्स हैं उनको लिखने के लिए BMS डॉक्टर्स अथराइज्ड हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक गोलियाँ भी BMS डॉक्टर्स लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। फोलिक एसिड, जाइलोकेन, विटामिन ए और कोई भी एंटी फंगल क्रीम जो है वो लोकल यूज के लिए आप लिख सकते हैं। डेंटिन वायलेंट 1% सोल्यूशन भी आप लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। और इस प्रकार से तमाम मेडिसिंस जो भी फिजिशियन के जो भी मेडिसिंस हैं आप लिखने के लिए अथराइज्ड हैं। इसलिए यदि आप रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर हैं तो आप तमाम प्रकार के मेडिसिंस लिखने के लिए अथराइज्ड हैं और आपको गवर्नमेंट के द्वारा ये अधिकार प्राप्त है। तो वो तमाम लोग जो BMS डॉक्टर्स को डॉक्टर की उस अवधारणा से विमुख रखते हैं उनके लिए करारा जवाब है और गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें अधिकार प्राप्त है। आप देखें, क्योंकि देश में विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इनके पास कोई जानकारी नहीं होती है और वो कमेंट करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जनमानस में एक अवधारणा, जो गलत अवधारणा BMS डॉक्टर्स के खिलाफ बना हुआ है और ये एक षडयंत्र के तहत, चूँकि गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज रही हैं आज़ादी के बाद से वो काफ़ी गलत रही हैं, काफ़ी नकारात्मक रही हैं भारतीय चिकित्सा परिषद के जो डॉक्टर्स रहे हैं उनके लिए, जो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रजिस्टर्ड है उनके लिए। तो गाइज आप बने रहें, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे कुछ समझने की बात है कि कौन से ऐसे अधिकार्स हैं जो BMS डॉक्टर्स को गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है। तो ये है कि कोई भी मेडिको लीगल केसेज हों, यदि कोई मेडिको लीगल केसेज हों
तो आप उसे हैंडल ना करें। हाँ ये ज़रूर है कि फर्स्ट एड आप करने के लिए अलाउड है, यदि आपके क्लिनिक पे हॉस्पिटल पे कोई पेशेंट आता है जो गंभीर चोट से चोट लगा हुआ है तो आप उसे फर्स्ट एड करें, उसे फर्स्ट एड करने के बाद तुरंत रिलीफ देने के बाद आप उसे हायर सेंटर पर रेफ़र करें। और इंट्रावेनस इंजेक्शन आई वी इंजेक्शंस लगाने के लिए आप अथराइज नहीं हैं, पोस्टमार्टम पी एम करने के लिए आप अथराइज नहीं हैं, और आई एम इंजेक्शन लगाने के लिए आप अथराइज हैं। गाइज मैं आप यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो वेनस इंजेक्शन इंट्रावेनस इंजेक्शन है भी सड़न के तहत बेमेज डॉक्टर्स को संगठनों के गलत रवैये कारण और जो भी पहले की सरकारें रही हैं उनकी गलत रवैये कारण इन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। चूँकि देश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें बेमेज डॉक्टर्स ही चलाते हैं, और वहाँ पर प्रोटोकॉल ना होने के बाद वो अंडर में बीएमएस डॉक्टर से काम करवाते हैं और उन्हें मेडिसिन इंट्रावेनस इंजेक्शन लिखने के लिए अलाउड करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएमएस डॉक्टर्स वो भी आईवी इंजेक्शंस लगाने के लिए अलाउड करें। और आयुर्वेद के इंजेक्शंस जो कि पहले देश में थे और काफ़ी इफेक्टिव थे, केमिकल इंजेक्शन से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव थे, जो अब हमारे देश में नहीं हैं, उन्हें भी मॉडर्न प्रोटोकॉल, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाते हुए आप देश में लाएं, जो कि देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जनमानस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सर्जिकल प्रोसेस प्योर आयुर्वेदिक सर्जरी करने के लिए आप अलाउड हैं, जिसमें क्षार सूत्र, अग्निकर्म इत्यादि टाइप के आते हैं, सर्जरी आते हैं। लेकिन अब ये विधेयक बदल गया है, क्योंकि अब हमारे देश में विधेयक पारित हो चुका है, मोदी गवर्नमेंट ने जो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रजिस्टर्ड जो पीजी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सर्जरी में एमएस डिग्री ली है और सैलाक के में ईएनटी में एमएस डिग्री ली है, वो हमारे यहाँ सर्जरी करने के लिए अलाउड है फ्रंट लाइन पे, दे आर अलाउड एज ए फ्रंट लाइन डॉक्टर एज डूइंग सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, किसी प्रकार की सर्जरी करने के लिए वो 50 प्रकार की सर्जरियाँ हैं, उसका एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। तो गाइज ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ब्लॉक था, विशेष करके उन लोगों के लिए जो कि जनमानस में काफ़ी गलत अवधारणाएँ फैला के रखे हैं बीएमएस डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए ये ब्लॉक बड़ा इम्पोर्टेंट था। और इस प्रकार से आपने देखा कि तमाम प्रकार के मेडिसिंस जो हैं बीएमएस डॉक्टर्स को लिखने के लिए अथराइज हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद के मेडिसिंस, तो आप निर्धारित करें कि कौन सा डॉक्टर महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए, कि जो दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिंस की कंप्लीट जानकारी रखता है वो इम्पोर्टेंट है, या जो सिर्फ एक सिस्टम ऑफ मेडिसिंस की जानकारी रखता है और उनके यहाँ साइड इफ़ेक्ट्स की ज़्यादा संभावनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। गाइज निर्धारण आप करें, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और भी किसी प्रकार की जानकारी हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।